बॉलीवुड सेलेब्स अपनी परफॉर्मेंस से हर ओकेशन को यादगार बनाते हैं और ऐसा ही माहौल हुआ जब ईशा कोप्पिकर ने लाइव परफॉर्म किया हजारों लोगों के सामने और दिखी काफी कॉन्फिडेंट। साथ ही वो खुश थी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के इस इनिशिएटिव से। अपनी परफॉर्मेंस को धमाकेदार बनाने के लिए ईशा ने चुने कुछ अपने ही रॉकिंग नंबर्स। ईशा दहीहंडी के इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय करती हैं, भले ही वो कभी गोविंदा ना बनी हो पर वो मस्ती में सराबोर जरूर हो जाती हैं। ईशा की परफॉर्मेंस को तो यहाँ लोगों ने खूब पसंद किया, जिसे देखते हुए अब वो जरूर उम्मीद लगा रही होंगी कि उनकी आने वाली फिल्में डार्लिंग, सबरी और हेलो को भी दर्शक अप्रिशिएट करेंगे। मेघना जोशी, जूम, मुंबई।